सियासी हलचल के बीच चुनावी घोषणा ने एनडीए के अंदर खलबली मचा दी है। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है और अचानक से चुनाव की घोषणा कैसे, तो आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तो मचा हुआ है, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पटना पहुंच गए हैं और बैठक के लिए आते ही उन्होंने कॉल कर दिया है। अब इन सब के बीच में जिस तरह से 28 तारीख को चुनाव की घोषणा कर दी गई है, इस घोषणा को लेकर के चुनाव आयोग ने सब कुछ लगभग क्लियर कर दिया है। अधिसूचना 11 तारीख को जारी हो जाएगी और 18 जनवरी तक नामांकन की तिथि घोषित की गई है। 28 तारीख को चुनाव होंगे और 28 को ही परिणाम आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव की। आपको पता है कि एमएलसी चुनाव के अभी समय बचे हुए थे, इसके पहले ही दो ऐसे सदस्य अलग अलग सदनों में चले गए हैं जिसके कारण ये चुनाव हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा, इन दोनों की सीटें खाली हुई हैं और ये दोनों सीटें अभी इनके लिए समय बचा हुआ है। जहां एक तरफ सुशील कुमार मोदी का सीट 2024 तक, अप्रैल के 2024 तक बचा हुआ था, माफ कीजिएगा, मई के 2024 तक बचा हुआ था, वहीं 21 जुलाई 2022 तक विनोद नारायण का भी बचा हुआ है। और इसको लेकर के अधिसूचना 11 तारीख को जारी हो जाएगी और ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जैसे नियम है उस नियम के अनुसार ये चुनाव होने तो हैं, पर इसमें चूंकि ये चुनाव बीच में हो रहा है और कहा यह जाता है कि उपचुनाव में जो राज्यसभा और विधान परिषद के लिए होते हैं, उसमें उपचुनाव जब होते हैं तो जो जिस दल के जिस गठबंधन की सीटें होती हैं उसी गठबंधन को प्राथमिकताएं मिलती हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई स्थिति बनती है तो वैसी स्थिति में, जैसा कि नज़र आ रहा है कि अगर मतदान होने की स्थिति आई, फिर भी सत्ता में बैठे लोगों के खाते में ये सीटें जाएंगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी उनकी है और सरकार बहुमत में है और बहुमत के आंकड़े जिसके पास हैं उसके खाते में ये सीटें जाती हैं। अब देखना होगा कि क्या इन सीटों पर विपक्ष अपना दावेदारी पेश करता है, क्या कुछ होगा, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि एक बात और तय नज़र आ रही है कि इन सीटों पे भाजपा जदयू में एक एक सीटें बंटने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सुशील मोदी के राज्यसभा जाने और विनोद नारायण के विधानसभा जीतने के बाद, बेनीपट्टी से उन्होंने विधानसभा की जीती है, अब वो विधानसभा के सदस्य हैं और इसी के लिए सीटें खाली हुई हैं। अब इन सब को लेकर के देखने वाली बात होगी कि क्या राजनीतिक संकट आता है, क्या सत्ता में बैठे लोगों को एक बार फिर से विपक्ष ललकारता है। बहुत सारी बातें अभी हैं, बैठकों का दौर जारी है और इस चुनाव की घोषणा ने कहीं ना कहीं चुनाव के तुरंत बाद एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ा ही दी है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही इस पर कुछ विशेष अपडेट आता है कि विपक्ष क्या करता है, हम तुरंत आपको सूचनाएं देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जदयू के तरफ से और अन्य साथी दलों के तरफ से डिमांड तो कर ही दिया गया है। आपने देखा ही होगा कि एनडीए के मजबूत साथी जीतन राम मांझी ने एक और एमएलसी की सीट मांगी है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।